हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। मैंने आपसे वादा किया था कि बिहार बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, जिसका नाम रेनबो है, 12th क्लास की, उसका प्रोज और पोएट्री सेक्शन का जो शुरू का तीन तीन चैप्टर है, मैं उसका यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक आपको कराने वाला हूँ। तो यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक आपको अब तक मालूम हो गया होगा कि क्या होता है। एक्चुअली इसमें ऐसा है कि उस एक चैप्टर से या उस एक यूनिट से अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है यानी 2018 से, तब से लेकर के अब तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारा मैं उसका कराऊंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। जहां तक इस चैप्टर की बात है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की, ये एक बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। मैं चाहूंगा कि आप इस सीरीज की सारी वीडियो देखें, और अगर आपको पूरे सिलेबस की वीडियो देखनी है तो आप हमारे ऐप पे जाकर कोर्स में इन वीडियो को देख सकते हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक ऐप पे बिल्कुल इसी तरह से मैंने पढ़ा रखा है, यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक हम लोग करने वाले हैं। और ये ना असल तैयारी होती है आपका, अगर कोई चैप्टर कंप्लीट है तो यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक करके देखो, आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बना लेते हो तो आप यह समझ सकते हो कि हाँ, आने वाले साल में जो क्वेश्चन हो सकता है मैं उसको कर सकता हूं। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन की तरफ आते हैं। इसमें बड़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करने में, क्योंकि आपको मालूम है साइंस एंड कॉमर्स वालों का अलग क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन बैंक अलग होता है, आर्ट्स वालों का क्वेश्चन बैंक अलग होता है। फिर दोनों से टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करके हम लाते हैं आपके लिए। मैंने इसमें ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव में सिर्फ क्वेश्चन आंसर को लिया है, बल्कि सब्जेक्टिव में मैंने एक्सप्लेनेशन को भी इंक्लूड किया है इसमें। स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और ये मेंशन कर दिया है कि कौन साइंस एंड कॉमर्स का क्वेश्चन है या फिर कौन वाला आर्ट्स का क्वेश्चन है। देखो यहां पर आस्क्ड इन 2018 आर्ट्स, 2019 साइंस एंड कॉमर्स, जो रिपीटेंस है मैंने वो भी डाल दिया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई 2018 के साइंस एंड कॉमर्स वालों को ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको तो ये मालूम है कि इस नेचर का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कि एक लाइन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये वाली लाइन कौन से चैप्टर से है। तो जहां तक इसकी बात है, नाम में ही माई सेल्फ है, आप समझ सकते हो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है और इसको लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन ने। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन देकर आपसे पूछा जाता है कि बताओ इस लाइन का पोएट कौन है, और कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन देकर आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये किस चैप्टर से है। खैर, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये वाली जो लाइन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। या फिर ये वाली लाइन के नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। Hoping to seize not till death, या I celebrate myself and sing myself, ये जो है ना, ये सब आपके song of myself वाले chapter से है, so this one is here। आगे बढ़ते हैं। Leaves of grass is a collection of poems by, leaves of grass एक collection है poem का, कौन सी poem का भाई, किनकी लिखी poem का, तो Walt Whitman की लिखी, sorry, leaves of grass एक collection है poem का, किनके द्वारा by poet का नाम पूछा जा रहा है। लीव्स ऑफ ग्रास हो या फिर एक और किताब को इसमें जोड़ दो, उस किताब का नाम है ड्रम टैप। ये 1855 में पब्लिश हुआ था, ये 1866 में पब्लिश हुआ था, और दोनों किताबों को लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन ने। आगे बढ़िए। डॉट डॉट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। देखो अगला ही क्वेश्चन है कि ये किनका काम है, ये दोनों काम, काम का मतलब यहां पर ये लिखी हुई किताबें किनकी है। अगर पोएट के बारे में या राइटर के बारे में वर्क आता है ना, तो इसका यह मतलब होता है उनकी क्रिएशन, उनकी कृति, जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने कंपोज किया है, तो वॉल्ट व्हिटमैन की किताबें हैं ये। आगे चलिए। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हजार्ड का मतलब यहां पर संकट है, ये वाली लाइन ली गई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वॉल्ट व्हिटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर, वॉलंटियर कहते हैं हम स्वयं सेवक को, जो बिना पैसा लिए सेवा देते, तो वॉलंटियर या फिर नर्स, ये टर्म भी यूज हो सकता है। उन्होंने एक वॉलंटियर या नर्स के तौर पर काम किया, किस मतलब किस वॉर में, सिविल वॉर में, क्रीमियन वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो मैं आपको बता दूं,
इन्होंने सिविल वॉर में काम किया था। सिविल वॉर को हिंदी में हम गृह युद्ध कहते हैं। इस गृह युद्ध में अमेरिका में 1861 में ये गृह युद्ध हुआ था और इसमें इन्होंने वॉलंटियर का काम किया था, जख्मी की मरहम पट्टी। आगे चलते हैं। वॉल्ट विटमैन वॉज, वॉल्ट विटमैन क्या थे, कहाँ के पोइट थे, अमेरिका के पोइट थे। 22 का साइंस एंड कॉमर्स का क्वेश्चन है, हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास, सेम चीज है, अलग तरीके से पूछा गया 22 के आर्ट्स में। माई टंग, मेरी जबान। अच्छा, अब क्वेश्चन का नेचर ये भी हो गया थोड़ा एडवांस, पता है क्या, एक लाइन दिया जाता है, बीच में एक जगह खाली छोड़ी जाती है किसी वर्ड के लिए और आपसे कहा जाता है कि उस ब्लैंक स्पेस में जो प्रॉपर वर्ड होगा वो आप फिल करो। ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने उसकी इन डेप्थ स्टडी नहीं की है ना, चाहे वो प्रोज हो या फिर पोएट्री सेक्शन हो। वैसे इस तरह के क्वेश्चन प्रोज से ज्यादा नहीं आते, पोएट्री से आते हैं, जहां जगह खाली छोड़ी जाती है और बीच का वर्ड भरना होता है। तो यहां होगा, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड formed from this soil, this air, मतलब मेरी जबान मेरे खून का एक कतरा यहाँ की मिट्टी और हवा से बना है। अगला है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये कौन से चैप्टर से है भाई, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है ये। आगे चलिए, नेक्स्ट वन, हुज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाली पोएम में स्पीकर कौन है, तो स्पीकर पोएट खुद ही स्पीकर है, द पोएट हिमसेल्फ इज अ स्पीकर। आगे चलिए, नेक्स्ट वन, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, और जो कुछ भी मैं अज्यूम करता हूं वही आप भी अज्यूम करते हो, इज टेकन फ्रॉम, ये वाली लाइन किस पोएम से ली गई है भाई, तो ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। आगे चलिए, अगला है, आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, ये वाली लाइन अलग से पूछी गई थी ना, अब दो लाइन को एक साथ मिला दिया गया है, ठीक है। किसने कहा ये, 2024 के आर्ट्स में पूछा गया, वॉल्ट विटमैन ने कहा ये। आगे चली, हु रोट, ये किसने लिखा, ये ना लाइन एंड पोएट एंड लाइन एंड वो चैप पोएम, ये बहुत आता है एग्जाम में, किसने लिखा, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, इसको वॉल्ट विटमैन ने लिखा है 2024 के साइंस कॉमर्स में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, वंस मोर, होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम 2024 के साइंस एंड कॉमर्स में, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से पूछा गया। आप अगर चाहते हैं कि आप सिर्फ प्रोज के 3 चैप्टर और पोएट्री के 3 चैप्टर ना पढ़ें, आप हर एक चैप्टर को पढ़ें, तो आप जाइए कोर्स से जुड़िए। अगर आप इस वीडियो को अगस्त से पहले देख रहे हैं तो आप टॉपर्स कोर्स से जुड़िए, और अगर अगस्त के बाद देख रहे हैं तो आप क्रैश कोर्स से जुड़िएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके लिए आपको प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। खैर, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन 2022 के आर्ट्स में पूछा गया, क्वेश्चन क्या है, हु आर द विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स कौन है, ये टर्म यूज हुआ है इस पोएम में, विस्परिंग नेबर्स, सॉरी ये हुआ द विस्परिंग नेबर्स, यार ये नाउ द लिव्स एंड फॉलिंग फास्ट का। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द पोएट वॉल्ट विटमैन वांट टू डू विद क्रीड्स, पोएट वॉल्ट विटमैन जो है वो अपने क्रीड्स के साथ क्या करना चाह रहे हैं। क्रीड आप जानते हो क्या होता है, इंसान जिस चीज को मानता है, जो उसकी मान्यता होती है, जिस चीज में उसका विश्वास होता है, उसको क्रीड बोलते हैं। तो द पोएट वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम हिज क्रीड फॉर सम टाइम एज ही वॉन्ट्स टू एंजॉय दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड विदाउट एनी स्कूल ऑफ थॉट और एनी बिलीफ सिस्टम, मतलब वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर किसी क्रीड का दबाव रहे, किसी पंथ का दबाव रहे कि मुझे इन चीजों को मानना है, अपने ऊपर ये बोझ, क्योंकि वो चीजें उनको शायद रिस्ट्रिक्ट करती हैं, तो वो अपनी अपने लाइफ को किसी बाउंडेशन के बिना गुजारना चाहते हैं, किसी बिलीफ सिस्टम या किसी स्कूल ऑफ थॉट के बिना। ही वॉन्ट्स टू लीव लाइफ फ्रीली, वो जीवन को फ्रीली गुजारना चाह रहे हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में 19 के साइंस एंड कॉमर्स में ये क्वेश्चन था, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फिर फॉर एवरी आइटम बिलोंग्स टू मी, ये 21 के साइंस में, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, ये 2022 के आर्ट्स में। और इस तरह से आपका ये वीडियो एंड होता है, क्योंकि इधर हो सकता है उसके बाद ये क्वेश्चन 23-24 में पूछा नहीं गया हो, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। मैं आपका वेट कर रहा हूं टॉपर्स कोर्स में, या अगर आप इसको आफ्टर अगस्त देख रहे हैं तो क्रैश कोर्स में। वैसे साइंस और आर्ट्स के लिए हमने अलग से
चैनल और स्पेशलिस्ट की टीम खड़ा किया है। आप जाएं साइंस के बिहार की बेस्ट फैकल्टी से जुड़े ओके साइंस एकेडमी पर, और आर्ट्स की बेस्ट फैकल्टी से जुड़े आप ओके आर्ट्स एकेडमी पर। बहुत मजा आने वाला है आपको। जिस क्वालिटी का कंटेंट आपको इंग्लिश में ओके इंग्लिश एकेडमी पे मिलता है, सेम क्वालिटी का कंटेंट आपको साइंस एंड आर्ट्स का ओके साइंस एकेडमी एंड ओके आर्ट्स एकेडमी पे मिलेगा, ये मेरा वादा है आपको। और ये पेपर जहां बिहार में 3-4-5 हज़ार की फीस पे पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ ओनली 999 की फीस ली जाती है और लाइव क्लास के साथ। ये मिशन 25 है अगर आप रेगुलर बैच कर रहे हैं तो, और अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो इसके क्रैश कोर्स का नाम है जुनून बैच, ठीक है। अब चलो मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं कोर्स में। हमारा ये जो नंबर है, आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में। हर दिन मेरी एक वीडियो अपलोड होती है, आप देखें, दोस्तों से शेयर करें, और अगर आप शॉर्ट्स नहीं देखते हैं तो शॉर्ट्स जरूर देखें, उसमें भी एक सीरीज चल रही है अभी। ऑल द बेस्ट।